बालापुर पुलिस स्टेशन, बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में लगभग 1.5 साल से चोरियां होते जा रहे थे और हर महीना एक ना दो चोरियां रिपोर्ट होते थे। अब बालापुर पुलिस ने बहुत मेहनत करा, लेकिन वो लोगों अभी तक 21 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करे। वो गैंग को कल बालापुर पुलिस ने पकड़ा गया, वेंकट रेड्डी इंस्पेक्टर और मसीउद्दीन सब इंस्पेक्टर और उनका क्राइम टीम है, वो लोग बहुत मेहनत करके ये चोरों को पकड़े और 21 केसेस में डिटेक्ट हुआ। और बाद में एनालाइज करें तो हमारे को ये पता चला कि वो लोगों दो चोरों हैं वो वही कॉलोनी में रह के, उनको दो वाइफ्स है, एक कॉलोनी में एक वाइफ को दूसरा कॉलोनी में दूसरा वाइफ को रख के वहीं फिर रहे और शाम तक पूरा घरों कोसा कोसा घर में लॉक है देख लेता है और किसका स्टेप्स कैसा है गेट कैसा है वहीं रहते ना गांव वाला बन के उधर वहीं फिर के अब उसका पूरा रखी कर लेके रात में जो चोरियां करते थे। और हम लोगों जो टावर के बारे में नहीं तो दूसरा टेक्निकल एविडेंस के सब लोगों सर्च करे तो भी वही गांव वाले वही गांव में रह रहे ना, इसलिए बहुत उसमें पकड़ने में दिक्कत हुई थी। फाइनली वो लोगों मेन अक्यूज्ड सैयद खाजा अली, उन 20 ईयर्स है, इससे पहले तो ऑटो चलाता था, अभी भी ऑटो चलाने का बहाना पे वही गांव में वही कॉलोनी में फिरते। और इन कामाटीपुरा के पुलिस स्टेशन में लास्ट ईयर उन पोक्सो केस में अरेस्ट होके जेल को गया था। जेल जाने के बाद वहाँ जो फ्रेंडशिप होता है और जब से ही उन चोरियाँ शुरू करा बाहर आने के बाद उनके ब्रदर इन लॉ के साथ, इनको दो ब्रदर इन लॉ है और एक शेख आरिफ और एक छोटा बच्चा 16 ईयर्स का, और दोनों के साथ पूरा रकी कर लेना, चोरी करना और प्रॉपर्टी भी बेचना। वो प्रॉपर्टी ईदी बाज़ार में सिराजुद्दीन बोल के एक आदमी को पूरा प्रॉपर्टी दिया। अब बाद में जो प्रॉपर्टी इंटैक्ट है वो रिकवरी करे हम 16 तुलास अभी तक, और वो लोगों जो पैसे मिला उससे दो पल्सर खरीदे और एक ऑटो भी खरीदा था वहीं गांव में, यही पल्सर यही ऑटो में नंबर बगैर नंबर रात में निकालना गांव में फिरना रखी कर लेना और चोरी करके चुपचाप वही कॉलोनी में रहना, यही हो रहा था। और ये आई कंग्रेचुलेट ऑल द पुलिस पार्टी, वो लोगों छोटा सा क्लू निकाल के जो आदमी ऑटो ड्राइवर बोलता है मेसन बोलता है वो लोगों पल्सर कैसा खरीदते और ऑटो कैसा खरीदते उतना लग्जरी लाइफ कैसा गुजर रहा बोल के उस पर इंक्वायरी कार्रवाई करके वो लोगों को पकड़े थे। पुलिस को वो इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी और मसीउद्दीन की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। गार्डन एंड सच तो आपको मालूम, ऑपरेशन चबूतर और गार्डन एंड सच इससे पहले करते थे। पब्लिक जो कॉलोनी वाले अब अच्छा पॉइंट रेज करें, अगर कॉलोनी वाले खुद आपको हमारे को कोऑपरेट करके अगर सदर लोगों नहीं तो कोई परमानेंट रेजिडेंट है जो कॉलोनी में परमानेंट है वो लोगों अगर चाहे हम लोगों आके आराम से करेंगे। अगर कोई ऐसा ही नंबर प्लेट बगैर नंबर प्लेट वाले, और ये पूरा बगैर नंबर प्लेट का है एक केस में, ऐसा बगैर नंबर प्लेट आप जो बोले वहाँ क्राइम रिकॉर्ड उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता, लेकिन हमारे घर पे आके हम यहाँ हमारा कॉलोनी में बड़े आदमी जैसा पोज करके यहाँ रहता, लेकिन उनका ऑपरेशंस बहुत बाहर बहुत खतरनाक रहते। अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है यहाँ कोऑपरेट करें, हम लोग तो तैयार हैं, हम तो रेडी रहते, कभी करेंगे।